खुदा आपकी हर मुश्किल को आसान करे और आपका रास्ता आसान करे। सफा मरवा की आप सही करे। उस समय एक बात याद रखे कि मेरी बड़ी बहन आई थी हमीदा मुझसे मिलने, इनका नाम मेरा नाम बस इतना सा, और आप सही सलामत वापस केरल आकर अपने बच्चों में अपनी अहलिया में अपनी माँ बाप के पास पहुँच जाए, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले शिया भाई की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में और जैसे शिया भाई का अगला सफ़र के बारे में, अभी कहाँ पर पहुँचे हैं शिया भाई, इस वक्त तो फ़िलहाल कहाँ पर है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और जो है सो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि शिया भाई का 2023 का पूरा आज का सफ़र इसी चैनल पर दिखाने वाला हूँ। और जो है सो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, एक शिया भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जो भी बंदे अपने वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं उन सभी भाई बहनों को दिल से शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ। चलिए अभी ज़्यादा बातें नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखिए जनवरी के 20 तारीख यानी कि आज शिया भाई अपने घर से निकल कर इस नेक सफ़र पर पूरे 233 दिन पूरे मुकम्मल होने वाले हैं। शिया भाई की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करने से पहले अपन ये बात करेंगे, जो है सो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बता रहे थे ना, जो है सो शिया भाई का सफ़र पाकिस्तान में जारी है। शिया भाई का सफ़र खुफिया रखा गया है। शिया भाई 20 तारीख के दिन ताफ्तान बॉर्डर पहुँच जाते बोलकर बताया गया था। आज है 20 तारीख है, क्या आज शिया भाई सच में पाकिस्तान पहुँच ताफ्तान बॉर्डर पहुँचने वाले हैं यानी कि ईरान पहुँचने वाले हैं क्या बोलकर पूछे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो कल भाई पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है वो भाई फिर खुद क्या बताए बोले तो फिर से एक बार और 3 दिन का टाइम मांग रहे वो भाई, क्योंकि और एक 3 दिन शिया भाई को टाइम लगता है, 3 दिन के बाद शिया भाई के हवाले से अपडेट आने वाला है बोलकर बता दिए है वो भाई भी। और जैसा और एक तरफ क्या बात चल रही हो तो शिया भाई हमारे जैसे लोग हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, जैसा हम क्या बोल रहे हो तो शिया भाई का सफ़र शुरू नहीं हुआ है इस वक्त, तो शिया भाई इंडिया के अंदर ही है और शिया भाई का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम हो रहा, किसी को भी नहीं मालूम। कौन सा भी यूट्यूबर को पूछो आप लोग शिया भाई के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, या इंडियन का यूट्यूबर हो पाकिस्तानी यूट्यूबर हो किसी का भी हो, मगर इतना तो है कि शिया भाई इंडिया के अंदर ही मौजूद है। शिया भाई का सफ़र अभी शुरू नहीं हुआ है, शिया भाई को पाकिस्तान का ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिला है। शिया भाई को वीज़ा मिलने में और कुछ टाइम लग सकता है, नहीं वो तो पूरा जो है सफ़र के बारे में और थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं अभी आने वाले दिनों में अपने को मालूम होने वाला है। अगर सच में शिया भाई पाकिस्तान इंटर कर चुके हैं तो वो भी अपने को खुशी की बात है, क्योंकि शिया भाई का सफ़र शुरू होने में हम सब की खुशी है। और जैसा हम सब की दुआ यही है कि शिया भाई का सफ़र शुरू होना बोलकर हमारे को जो भी अपडेट दे रहे हैं, हमारे जो इन्फोस रहे थे, जो हम लोग जिधर भी सोर्सेस रखे हुए हैं, हम जहाँ भी रिसर्च करते हैं वहाँ के हिसाब से तो हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि शिया भाई इंडिया के अंदर ही मौजूद है बोलकर ही बता रहे हम लोगों को, अभी पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिला बोलकर बता रहे। अगर से सच में शिया भाई का सफ़र शुरू है पाकिस्तान के अंदर, अभी पाकिस्तान का सफ़र कंप्लीट कर रहे बोलो तो बहुत बहुत खुशी की बात ही है ना हम सब के लिए, हमारी दुआ भी यही है। अगर वो भाई लोगों को वैसी अपडेट मिल रही वो सच है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें अपने कोई गम की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ईरान पहुंच गए थे ईरान से तो खुफिया नहीं रहता ना शिया भाई की तरफ से अपने को वीडियोस देखने को मिलते हैं, इतना तो खुशी की बात है। इतने दिन वेट करने के बाद अगर से सच में शिया भाई पाकिस्तान का सफ़र खुफिया से कम्प्लीट कर रहे हो तो, मगर ये सच बात क्या है बोले तो आप लोगों को झूठ बताना नहीं चाह रहा हूँ मैं। शिया भाई इस वक्त तो शिया भाई इंडिया के अंदर ही है, शिया भाई को जो है सो ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिला है। और एक क्या बात है बोले तो आप लोगों स्टार्टिंग में देख लिए ना वीडियो क्लिप, वैसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग से वैसे सबकी दुआ लेकर ही शिया भाई इस इंडिया से निकले हुए हैं। बहुत ही जल्द शिया भाई का अगला सफ़र शुरू होने वाला है, थोड़ा सब्र कर लेना अपन, अभी कितने 3.5-4 महीने से अपन सब्र कर दिया रहे, एक ही नाम सुन सुन कर हम लोग भी एक ही अपडेट दे देकर हम लोग थक गए, एक ही वीडियो में वही बताई सोच बात बताए बताकर सुन सुनकर आप लोगों भी थक गए, वो हमारे को भी मालूम है क्या करते जो चल रहा है वही बताना ना, अगर से गलत दूसरा बताना बोले तो हम लोग कब की बता देते, वैसा घुमरा करना नहीं चाह रहे, हमें को वैसे व्यूज़ नहीं चाहिए, जो अपडेट है वही देना, हम लोगों को भी अच्छा नहीं दिखता ना भाई क्या है बोले तो, रोज़ एक ही बात करना बोले तो भी कुछ नया बोलने को मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छा दिखता, वो आज यहाँ है आज ये करे वो करे शिया भाई बोलकर हम लोगों को भी बेजार आ गया, जो है सो शिया भाई का फेवरेट स्कूल इंडिया इंडिया बोलकर क्या करते अपनी मजबूरी है, और शिया भाई खुद उतना सब्र कर रहे तो उनके सामने अपन कितने हैं बोलो,
वो बंदा ही उतना सबर करके वीज़ा के लिए कोशिश कर रहा, तो अपन वीडियो देखने वाले हैं, हम वीडियो बनाने वाले हैं, हाँ हम लोग सबर नहीं करें तो कैसा बोलिए। अभी शिया भाई खुद ही पैदल जाने का है, अपन तो नहीं जा रहे ना पैदल, वो बंदे को कितना टेंशन होगा। अपन सोचने वाली बात है, ज़रा अपन दिमाग उधर इधर नहीं करके जो है शिया भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें तो बेहतर रहेगा। शिया भाई के अगला सफ़र के बारे में शिया भाई खुद अपने चैनल पर लाइव आकर बताने वाले हैं, थोड़ा सबर कर लो बस। सबर के साथ साथ शिया भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए। और जो है शिया भाई खुद बताए कि मैं मक्का मदीना पहुंचकर मेरा हज मुकम्मल करने के बाद सभी भाई बहनों के लिए, सारी उम्मत के लिए, सारी कायनात के लिए दुआ करने वाला हूँ बोलकर बता दिए थे शिया भाई। और जैसे हम लोगों को भी ऐसा डाउट आ रहा है कि शिया भाई क्या सच में पाकिस्तान में है क्या बोलकर, क्योंकि इंडिया में रहे तो कोई ना कोई अपडेट देते थे, इतने दिन से शिया भाई ऐसा खामोश क्यों है बोलकर। अगर सच में शिया भाई पाकिस्तान एंटर हो गए तो ये इंटरनेट का दौर है, हर बंदे का मोबाइल है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक तो कोई ना कोई बंदा तो देख लेता शिया भाई। शिया भाई के बारे में तो आजकल हर एक बंदा जानता है, शिया भाई पैदल हज जा रहे बोलकर कोई ना कोई तो फोटो या वीडियो क्लिप ले रहे के सोशल मीडिया पर डाल देता बोलकर, फिर ऐसा डाउट को हम लोग क्लियर हो जा रहा। फिर अगर से अपने इंडियन की तरफ से सोचे तो फिर इंडिया के अंदर भी शिया भाई अगर है तो इतने दिन से ये जो है सो मसला चल रहा ना, कन्फ्यूजन चल रहा ना, क्यों शिया भाई अपने इंस्टा आईडी पर एटलीस्ट एक पोस्ट क्यों नहीं कर रहे बोलकर भी डाउट आ रहा। और इंस्टा आईडी पर ये तो है कि जो है सो इंडियन का सफ़र कम्प्लीट हो गया बोले जैसा एक मार्क लगा के रखे हुए 100% बोल के, पाकिस्तान का सफ़र का क्या है कि ऐसा लोडिंग सिंबल रखे वहाँ पर इमोजीज में, तो इससे समझ में ये आ रहा है कि दो तरफ के है वहाँ भी। अगर सफ़र शुरू होने वाला है बोलकर लगा ही नहीं मालूम हो रहा, नहीं बोले तो ऑलरेडी सफ़र में हूँ बोले जैसा लगा ये नहीं मालूम हो रहा, हिंट देना चाह रही शिया भाई और वो कन्फर्म नहीं मालूम हो रहा। अगर शिया भाई सच में पाकिस्तान में है तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। अभी वो भाई लोग बता रहे कि 3 दिन सफ़र कर लीजिए, शिया भाई खुद अपडेट दे देते हैं मैं ताफ्तान बार्डर में हूँ बोलकर, जैसा अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर बता रहे। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होने वाला है आगे चलकर, मगर हमारे हिसाब से तो शिया भाई अभी इंडिया के अंदर ही मौजूद है। शिया भाई का सफ़र शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, सब्र के साथ साथ अपन दुआ ज़रूर करना चाहिए शिया भाई के लिए। और जो है सो मैं बता दूं दोस्तों क्या है बोले तो मसला अभी आगे चलकर शिया भाई के पास बहुत वक्त कम है, 132 दिन के अंदर अंदर 5000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करने का है शिया भाई को, तो इतने कम दिन में उतना सफ़र तय करते या नहीं करते बहुत मुश्किल का समय टाइम चल रहा है अभी शिया भाई का। क्योंकि अभी थोड़ा न्यूज़ ऐसा भी आ रहा है कि शिया भाई इंडिया के अंदर ही तो है, ये तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा, और ये भी बताया मालूम हो रहा कि शिया भाई चाइना से जाने वाले है बोलकर, ये पूरा कन्फर्म नहीं है, ये मेरे को सुनने में आ रहा बस इतना ही, मेरी दिल की बात आप लोगों को बोल रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान का वीज़ा तो नहीं मिल रहा, ट्रांजिट वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल का काम है कोई से भी देश का, ऊपर से वो पाकिस्तान का है, इंडिया पाकिस्तान बोलते ज़रा नहीं जमने के देश, हम फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है ना, आप लोगों को मालूम ही है ना जो दो देशों के गवर्नमेंट को नहीं जमता सो, तो इसलिए लग रहा कि शिया भाई अभी चाइना से चीन से जाने वाले हैं बोलकर सुनने में आ रहा। देखते हैं क्या अपडेट देने वाले शिया भाई खुद अभी लाइव आकर अपडेट देने वाले हैं बोलकर सुनने में आ रहा। और एक चंद दिन अपन सबर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारा अपडेट मालूम होने वाला है। अभी आगे चलकर खुशियां ही खुशियां हैं अपने को, जो है शिया भाई को देखने को मिलता है अपने को, उनका सफ़र के भी विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सबर कर लीजिए, सबर के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे आप भी करते रहिए हर वक्त, अपन अब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे चलकर शिया भाई हमारे लिए दुआ करने वाले हैं। एक बात तो सही है दोस्तों, क्या है बोले तो शिया भाई के हवाले से जो भी अपडेट आती है, जेन्युइन अपडेट ही आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग इतना टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं बोले तो उसको मैं करेक्ट इन्फो ही आप तक पहुँचाना बोलकर मैं पूरी कोशिश करते रहता हूँ। अगर से सच में शिया भाई का सफ़र जारी है बोलकर मेरे को मालूम नहीं है तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले बताने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं, मेरे जो इन्फो दिया जा रहा जो अपडेट मिल रही वही दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को ऐसा गुमराह करना नहीं चाह रहा हूँ मैं। और जब मेरे से कोई भी अनजाने में गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए, वैसे मैं आप लोगों से छोटा हूँ, छोटा भाई समझ कर माफ़ कर दीजिए। और जैसा मेरे को जितना अपडेट मिल रहा है उतना ही मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कराने की ही कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अभी अपन शिया भाई के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह शिया भाई के सफ़र में आसानी अता फरमा, या अल्लाह शिया भाई के सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा, या अल्लाह शिया भाई के जो भी रुकावटें हैं उसको दूर अता फरमा, या अल्लाह इस वीडियो को जितने भी मुसलमान भाई बहने देख रहे हैं उनको भी और हमको भी उम्र और हज नसीब अता फरमा। इस कमेंट बॉक्स में आमीन सुमामीन ज़रूर लिख दीजिए।
और जो इस वक्त क्या बोले तो किसी ना किसी की दुआ कबूल हो सकती है इसकी वजह से। चलिए अभी शिया भाई के लिए हर वक्त दुआ करते ही रहिए, हम भी कर रहे हैं। और जो इस आज शिया भाई जुम्मे की नमाज़ कहाँ पर अदा करने वाले हैं इसके बारे में भी पूरी मालूमात करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके साथ ही साथ शिया भाई का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इसका भी मालूमात करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके अपडेट के बारे में शाम के वीडियो में इंतज़ार कीजिए, शाम के वीडियो में बताने वाला हूँ। जब तक के तो हमें याद रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जब तक के अल्लाह हाफिज़।